हेलो ऑल, रिसेंटली सिग्नल में कुछ चेंजेस हुए हैं, ये वीडियो उसी के बारे में है। पहले हम लोग शंट सिग्नल हेड वाले अलग से अटैच करते थे लूप लाइन या मेन लाइन स्टार्टर सिग्नल के ऊपर, पर अब अलग से अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिग्नल के आइडेंटिटी सेक्शन वाले में कुछ कोड्स लिख के हम उनको अटैच कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो शंट सिग्नल ऐड करने के लिए डबल क्लिक करना है सिग्नल के ऊपर, आइडेंटिटी सेक्शन में लिखना है SR वर्ड। SR इज इक्वल टू शंट सिग्नल विद राइट एरो। इसको सेव करके रीस्टार्ट कर लेते हैं। देखिए शंट सिग्नल ऐड हो चुका है राइट एरो के साथ। फिलहाल अब ये वर्किंग में नहीं है। तो जिस भी लिंक पे आपको शंट सिग्नल एक्टिव करवाना है, उस लिंक पे आपको बैंग करेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं लिंक वन पे यूज़ कर रहा हूँ, और इसको सेव करके रीस्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी स्ट्रेट कनेक्ट है, क्योंकि मेरा लिंक वन स्ट्रेट पे कनेक्ट है, तो यहाँ पे शंट सिग्नल एक्टिव हो चुका है। जैसे ही मैं सिग्नल, तो बैंग करेक्टर से क्या होगा, एक तो आपका शंट सिग्नल एक्टिव हो जाएगा, और सिग्नल का जो मेन स्पेक्ट है वो हमेशा रेड रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं रेड है। तो इस केस में अगर हमको सिग्नल का स्पेक्ट येलो करवाना है और नीचे शंट सिग्नल भी एक्टिव चाहिए, तो उसके लिए हम करेक्टर यूज़ करेंगे एंड। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ एंड करेक्टर, और फिर इसको सेव करके रीस्टार्ट करके देखते हैं। अब देखिए स्ट्रेट कनेक्ट है, शंट सिग्नल भी एक्टिव है, एंड अपना मेन स्पेक्ट भी येलो है। तो ये जिस मर्जी लिंक पे आप इसको एक्टिव करवा सकते हैं अपने हिसाब से। तो अभी हमारा सिग्नल जो है वो ट्रैक के लेफ्ट साइड है, किसी किसी केस में वो राइट साइड भी होता है। तो उस जगह पे हमको जो शंट सिग्नल चाहिए होगा वो लेफ़्ट साइड एरो वाला चाहिए। तो उसको ऐड करने के लिए इस पर डबल क्लिक करिए और SR की जगह लिखिए SL, एंटर, सेव करके रीस्टार्ट। अब ये लेफ्ट एरो के साथ शंट सिग्नल आ गया है। कुछ सिग्नल्स के आइडेंटिटी में हम लोग साटा वर्ड का यूज़ करते थे सिग्नल को हमेशा एक्टिव रखने के लिए, पर अब इसके साथ अगर यूज़ करना हो शंट सिग्नल, तो उसके लिए हम साटा के लास्ट में ऐड कर सकते हैं SL या SR। जितने भी शंट सिग्नल सिर्फ हेड वाले जो आपने रूट में यूज़ किए हैं, उसको रूट में से रिमूव कर दीजिए। इस सिग्नल की वजह से AI ट्रेंस में भी कुछ दिक्कतें आती थी, और फ्यूचर में ये सिग्नल पैक में से रिमूव हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए ट्यूटोरियल पेज भी अपडेट कर दिया गया है, वहाँ पे आप जाके इसका डिटेल देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।